धर्म का लाभ उठाने वाले इस समय बानोबाग सिविल लाइन में अपना डेरा जमाए हुए हैं। दरअसल यहां श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथावाचक सभी गोपाल दास ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से सुनाया भी और मनाया भी। कथावाचक ने बताया कि नारायण ने धरती से अधर्म का नाश करने के लिए देवकी के घर जन्म लेकर पूरी धरती को धन्य कर दिया। उनका पूरा लालन पालन यशोदा ने किया। भगवान श्री कृष्ण ने ही दुनिया को ये संदेश दिया कि जन्म देने वाले से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। उधर श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे उनकी शरारतों ने सबका मन मोह लिया। कभी दही चुराया तो कभी मक्खन। इन्हीं लीलाओं का वर्णन करते हुए कथावाचक ने कहा कि प्रभु की माया प्रभु ही जाने। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मात्र दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के पूरे चित्र को सुना करके कथा को विराम दे दिया था। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन परमब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में वंशी जेल में अपने भक्त वासुदेव और देवकी को मुक्त बना करके अवतार लिया। गोकुल में जा करके रोटना आवासन बपासन आदि पशु भवन किया। फिर भगवान मथुरा में रहे, वहाँ पर श्रवण किया। मथुरा से भगवान द्वापर गए, वहाँ पर 16,108 रन से विवाह किया। महावाट की थी भगवान अपने धाम लोग बोलो हरे श्रीमद भागवत कथा पूर्ण होगी महाराज। विस्तार से सुनना चाहता हूँ परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चित्र को विस्तार से क्यों सुनना चाहते हो? जिसके द्वारा व्यक्ति का भाव रोग का निदान हो जाता है, अर्थात भगवान कृष्ण की जो कथा है वह भवरोग रूपी रोग से मुक्ति का पैटर्न दवाई है। होते हैं जो संसार के हर प्रकार के विषय से जो मुक्त जीव होते हैं, मुक्त आत्मा जो आत्मा में रमण करने वाले होते हैं, वो भी देखा गया है। उमां विजेत बिना पशु घना गुरु जी, जो व्यक्ति पशु घन होता है, जो वो पशुओं का हत्यारा होता है, जो बहुत पापी व्यक्ति होता है, कई व्यक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में रुचि नहीं लेता। जैसे किसी को जैंडिस की बीमारी लगी हो तो वह रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले सकता, तो मिर्ची का स्वाद वो नहीं ले सकता, या फिर रसगुल्ला भी मीठा है और मिश्री भी क्या है मीठी है, लेकिन जिसको जैंडिस की बीमारी पीले की बीमारी हो
उसको दूसरे भी कड़ी लगती है और रसूला भी लगता है, लगता है। तो कसूर किसका है? इसी कसूर नहीं है, रसूल कसूर नहीं है। कसूर उस व्यक्ति के अंदर क्या है? बीमारी है, पीले की बीमारी है। वो पीले की बीमारी वो मीठी मीठी उसको कड़वे लगती है। ऐसे ही जो बहुत पापी लोग होते हैं, इनके जो पाप ज़्यादा होते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो जो विशेष ज्यादा मीठा है, वो भगवान का नाम भी करवा है। उनको भगवान की कथा है वो भी कड़वी लगती है। पापी व्यक्ति भगवान कृष्ण कथा में रुचि बोलो नहीं ले सकता। गुरु जी क्या आप ये समझते हो कि मैं पापी हूँ, कसूर हूँ? जो आप मुझे मेरे इष्ट